ऑफ स्टाफिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग हम करते कैसे हैं। जो अब तक मैंने आप सारी बातें करी थी अभी इससे पहले वीडियो में, वो सारी की सारी इसी के ऊपर बात चल रही थी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। और सीधी बात, डिफाइन करोगे आप उसको तो उसके एलिमेंट्स को अलग अलग कर दोगे तो बनता है आपका प्रोसेस। तो पहला पॉइंट है प्रोसेस में हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि यू हैव टू एस्टिमेट कि हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और किस जॉब के लिए हमें कितना काम देना होगा। ये है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसके बाद रिक्रूटमेंट, कि आपने जो एस्टिमेट किया और जो जॉब की स्किल्स रिक्वायर्ड थी उसको देखते हुए आप पेपर में ऐड करोगे, कैंपस में रिक्रूटमेंट करोगे, प्लेसमेंट एजेंसी से बात करोगे और आप लोगों को मोटिवेट करोगे कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई करें। ये रिक्रूटमेंट था आपका। थर्ड है सिलेक्टिंग अमंग द बेस्ट एप्लीकेंट्स, जिन लोगों ने अप्लाई किया है आपकी जॉब के लिए। हमेशा यही होता है, भारत में भी ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एक एक वैकेंसी के लिए 100 लोग आ जाते हैं आपके पास, तो आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है उसके अंदर। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है आपको, उनका उनकी जॉब पे प्लेसमेंट करना है। तो क्योंकि वो बिजनेस के अंदर नए हैं, अभी वो नए नए आए हैं बिजनेस में, तो क्या करना है आपको उनका सीधा सीधा ओरिएंटेशन कि बिजनेस में ये लोग आपके कलीग हैं, ये आपके हेड हैं, ये आपके बॉस हैं, ये आपका काम होगा। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या करना है आपका उनका, टाइम टू टाइम आपको उनकी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, कि भैया ये काम आपको ऐसे करना है और इस काम को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किससे कैसे टैकल करेंगे, ये होगा आपका ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या है कि यू आर गिविंग हिम हायर टास्क, कि आप उसको डेलीगेशन अथॉरिटी, हमने वो लास्ट टाइम बात की थी, आप उसको ऊपर अपनी जॉब की हायर लेवल जॉब के काम उसको सौंप रहे हो ताकि वो उनको करने के अपना डिसीजन मेकिंग, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सके। जब वो ऐसा रेगुलरली करेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा और वो हायर लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाएगा। लास्ट में क्या है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जब आपका एम्प्लॉय काम करता है पूरे साल तो आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हो, डिजायर टारगेट से आप उसको मैच करते हो और आप देखते हो क्या परफॉर्मेंस है, अच्छी है, बेकार है या एवरेज है, और उसके हिसाब से आप एक्शन लेते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस है एंकरेज करेंगे, बेकार होगी तो उसको देखेंगे क्या करेक्टिव एक्शंस है, और एवरेज है तो उसको मोटिवेट करेंगे थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। अब हम चलते हैं इन स्टेप्स को वन बाई वन डीपली पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारा पहला पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब थोड़ा डिटेल में सुन लेते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये बता रहा है आपको। मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी तो क्या करेगी कि हमारे पास अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना, और अगर नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, कि जो हमारे पास एक्चुअल में जो अभी लोग काम कर रहे हैं वो कितने हैं, ये इसके अंदर होगा, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, में ये नहीं होगा। आगे चलते हैं इसके सेकेंड है आपका असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, कि अभी जो प्रेजेंट में कंडीशन है, अब फ्यूचर में जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं अपना, फ्यूचर में अगर हम काम बढ़ाने जा रहे हैं तो फ्यूचर में हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हायरिंग है या नहीं, और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक्सपेंड ही करती है तो फ्यूचर में आपका वैकेंसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर होती ही होती है। अभी कोरोना टाइम है तो बात अलग है, वरना इससे पहले तो एक्सपेंशन था आपका, तो आपको देखना है कि हमें आने वाले 5 सालों में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी और आप प्लान बनाएंगे उसके लिए कि हमें कैसे कैसे उनको हायर करना है, उसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो है डेवलपिंग अ प्रोग्राम, वही आगे प्लानिंग की बात, कि अब प्लान बनाना है आपको कि कैसे उनको हम हायर करेंगे। डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब अब जो होगी कि हमने देखा कि हमारे यहाँ 100 लोग काम करते हैं, ये स्टेप वन हो गया हमारा। फिर हमने कहा कि हमें 50 लोगों की और आवश्यकता है, तो हमें रिक्वायरमेंट कितने हुई, 150। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि हमारे पास 5 साल में या 3 साल में 150 लोग कैसे हायर हो, या तो आप सीधा 50 लोगों को हायर कर लो एक साथ, या आपको लगता है कि हमारे यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं कुछ काम भी छोड़ देंगे तो आप 60 को 70 को हायर कर सकते हो, ताकि 10 लोग काम भी छोड़ जाए 5 साल में तो भी आपके पास 150 एम्प्लॉई हो जाए। ये आपकी प्लानिंग कहलाती है, प्लानिंग का ही एक पार्ट है, प्रोग्रामिंग एक टाइप है प्लानिंग का, प्रोग्रामिंग स्टेप बाई स्टेप मेथड होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले मैन पावर का एस्टिमेशन करेंगे कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है, ये फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकेंड है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का सीधा मतलब यह है कि आपको ढूंढना है कि हमें जिन लोगों की आवश्यकता है वो कहाँ पर है, द एम्प्लॉयज वी रिक्वायर आर वेयर, है ना, हमें ढूंढना है उनको, तो कैसे ढूंढेंगे, घर घर जाएंगे नहीं उनके, तो
यू हैव टू आइदर गो थ्रू द कैंपसेस और रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप बात करेंगे, या आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल पेपर में ऐड दे दो कि हमें इस स्किल्स के इतने लोग चाहिए, ऐसे ऐसे फॉर्म भर के ऑनलाइन डाल दो, अपनी वेबसाइट पर डाल दो, आपके एम्प्लॉय काम करते हैं उनको बोलो कि भाई हमें 50 लोगों की ज़रूरत है, आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को या जितने लोगों को जानते हैं सबको बताइए और हमारी जॉब के लिए लेके आइए। ये सब क्या है, आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, हम आगे बात करेंगे इस पर, फिलहाल इतना ही है। तो रिक्रूटमेंट क्या करता है आपका, इट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, कहाँ से लोग काम करने हमारे यहाँ आएंगे, एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेशन, कि पहले ढूंढो लोग कहाँ से हैं, और जहाँ पर ढूंढ लिया तो आपको उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है कि वो आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें। आप बोलोगे हमारी फर्म में इतना अच्छा काम होता है, इतनी ग्रोथ है, इतना डेवलपमेंट है, इतनी सैलरी है, इससे क्या होगा, वो आपके लिए अट्रैक्ट होंगे। ये था आपका रिक्रूटमेंट सेकेंड पार्ट। थर्ड है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन आपको बताइए, यू हैव इट इज़ अ नेगेटिव एक्टिविटी, आपको क्या करना है, कुछ लोगों को मना कर देना कि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। कैसे करेंगे आप, रिक्रूटमेंट टेस्ट करेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, उनका ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, आप बायोडाटा चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा एम्प्लॉई आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि एम्प्लॉई कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन इसमें क्या है, वो ड्रिंकिंग करता है, उसकी फाइटिंग की आदत है, या वो क्रिमिनल है, तो आप उसको हायर करके क्या करोगे, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन में देखना है कि आपकी जॉब के हिसाब से कौन सा एम्प्लॉई बेस्ट है, कौन सा नीट है, कौन सा क्लीन है। इसलिए मांगते हैं आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि भैया कोई कैरेक्टर खराब तो नहीं है आपका पहले। फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने जिस आदमी को जिस जॉब के लिए हायर किया है उस जॉब को उसे असाइन कर देना। जैसे मुझे एक गार्ड की ज़रूरत थी तो मैंने ऐड दिया, और 10 लोग गार्ड का काम करने मेरे यहाँ आए तो मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया, और जब वो नेक्स्ट डे आया मैं कहा ठीक है भाई गेट पे खड़ा रहे, कल आज से तेरा यही काम है कि अब तू यहाँ पर क्या करेगा, चौकीदारी करेगा। ये होता प्लेसमेंट। अब उसके बाद आएगा ओरिएंटेशन। उसमें क्या करना है, उसको बताना कि देखो भाई हमारे घर में 6 मेंबर हैं, ये देखो पापा, ये देखो मम्मी, ये मेरे भैया, ये मेरे भाभी, है ना। अब ऐसा बताएंगे तो उसको ओरिएंट कर रहे हैं कि हमारा घर में इतने लोग काम करते हैं। फिर हम बताएंगे हमारे काम वाली आती है, उसका नाम ये है, देखो सुबह इतने बजे आती है और इतने बजे चली जाती है। उसके बाद हम बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स भी कभी कभी आ जाते हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको बता दोगे, या एक दो दिन के अंदर जैसे जैसे कोई आते रहेंगे तो आप बताओगे, मिलाओगे कि देखो ये मेरे ये फ्रेंड है और ये हमारे यहाँ आते हैं, तो आगे से वो जान जाएगा। ऐसे जब कोई एम्प्लॉई आपके बिजनेस के अंदर काम करने आता है तो आप उसको ओरिएंट करते हो कि ये आपका बॉस है, ये आपका जूनियर है, ये आपका सीनियर है, ये आपका ऑफिस है, आपको यहाँ बैठना है, आपको इंटरेक्शन यहाँ करना है, आपकी कैंटीन यहाँ पर है, आपको काम ऐसे करना है, ऑर्डर ये देगा, इंस्ट्रक्शन ये देगा, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं। तो इसके लिए आपको 4-5 दिन बिठा के क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपको ऑफ द जॉब होती है ट्रेनिंग, ऑन द जॉब कमी होती है। ये ओरिएंटेशन जो होता है आपका, ऑफ द जॉब ज़्यादा होता है। नए नए एम्प्लॉइज़ को इकट्ठा हायर जो कर लिया 100 लोगों को, उनको एक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में ले गए या एक कहीं अपने उसमें मीटिंग चैम्बर में ले गए, और 2-3 दिन वहाँ पर उनको सीनियर जूनियर सब लोग आके सिखाएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताएंगे क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे उससे डील करना है। ये था आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जब एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने आ रहा है एंड ही नीड्स सम इम्प्रूवमेंट इन हिज क्वालिटी ऑफ वर्क, इन हिज स्किल्स, इन हिज बिहेवियर, इन हिज थिंकिंग, ठीक है। जब कोई आपने आप आ रहा है, बिल्कुल रॉ पर्सन है, उसको भी ज़्यादा पता ही नहीं है। जैसे आप लोग पहले पहला खाना बनाना शुरू करते हो तो आपको मान लो खाना बनाना आ भी गया, उसके बाद भी आपको गाइडेंस दिया जाता है कि नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया, कुकर में कितनी सीटी मारनी है ना, रोटी गोल क्यों नहीं बन रही, गोल कैसे बनेगी, मम्मी बताएंगी एक तरफ कच्ची रखो एक तरफ पकाओ, है ना, सेको अच्छे से। तो ये जब जो आपकी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, इनको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाना बहुत आसान काम है, कोई चला लेगा, आपको बोलो ये गियर है आपका, ये आपको ये है, न्यूट्रल करोगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, क्लच दबाओ, गियर लगाओ, ये करो वो करो, आपको सिखा दिया। लेकिन उसके बाद क्या, वो तो सबको आता है, ये कोई सामने से आ जाएगा तो क्या करना है, गाड़ी कौन से डायरेक्शन में लेके जानी है, कौन सी लेन में चलानी है, जब मुड़ना है तो आपको इंडिकेटर देना है, रेड लाइट पर रुक जाना है, कब आपको अपना ब्रेक लगाने हैं, क्या आप ब्रेक और क्लच इकट्ठे लगा सकते हैं। तो 100 चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आदमी करके सीखता है, कुछ उसको जो सीनियर्स होते हैं वो सिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेनिंग कि आप जिस काम को जानते हो सब कुछ है उसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर अप्रीहेंशन बना रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है कि यार नहीं ऐसा करूँगी तो ऐसा ना हो जाए। कोई मशीन पर काम करता है, अब वो काम करता पहले भी आया, एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी मशीन किसी और कंपनी की थी, ये कंपनी किसी और की है। जब बाइक किसी चलाई हो तो उसको आइडिया होगा कि बाइक के अंदर कुछ के गियर ऊपर होते हैं, कुछ के गियर नीचे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है आपका कि ये ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है कि ताकि जो आपका अप्रीहेंशन है, जो आपका एंग्जाइटी है नई प्लेस की, नई जॉब की, नए वर्क की, उसको हम थोड़ा दूर करें, आपको उससे ओरिएंट कराएं और आपका उससे इंटरेक्शन कराएं। जो भी लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पहले से बता दें ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए। इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। ये आपकी स्किल्स को एनहेंस करती है। स्किल्स तो आप पे ऑलरेडी हैं,
बट इट एनहेंसेज योर स्किल्स। फिर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यू आर बींग डेवलप्ड फॉर अ हायर पोस्ट। आप एक सीधी बात है, जब आप बच्चे थे तो आपके पास उतनी नॉलेज नहीं थी जो आपके पास आज है, और जो आपके पास आज नॉलेज है वो आप 10 साल के बाद उससे ज़्यादा ही होगी, कम तो होने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जब एम्प्लॉय आपके बिजनेस में काम करने आएगा तो यू हैव टू डेवलप हिम। ये नहीं कि वो मान लो आपने रखा है पियोन, तो जिंदगी भर पियोन ही रिटायर हो जाएगा वो, नहीं। आपको उसको क्या करना है, धीरे धीरे प्रमोट करना है कि पियोन से वो हेड पियोन बने, उससे फिर वो क्लर्क बने, क्लर्क के बाद वो कैशियर बने या कुछ और काम करे, ताकि उसको भी लगे यार मेरी कुछ ग्रोथ हो रही है, उसकी फैमिली में उसको लोग कहें हाँ यार से ग्रोथ हो रही है। भाई जब आपके बिजनेस से जितना वो जानेगा आपके बिजनेस को, उतना ही वो आपका प्रॉफिटेबल एम्प्लॉई है। जो एम्प्लॉय जितना पुराना हो जाता है आपके बिजनेस के अंदर, उतना ही वो आपके बिजनेस को जान जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पियोन ही खाली बॉस का काम भी कर देता है, पता है कि फाइल ये वाली है, बॉस ये चीज़ चेक करते हैं, उसको ध्यान तो पूरा रखता है वो। जब बॉस नहीं है तो चुपचाप से वो ये काम करके दे देता है कि भाई आज बॉस तो आए नहीं है। फिर वो बॉस को फोन करके पूछता है कि मैं ऐसा काम कर दूँ क्या, बॉस कहता है हाँ कर दो, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ऐसी बातें हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। धीरे धीरे आप टास्क असाइन करोगे अपने जूनियर को, तो वो धीरे धीरे हायर लेवल के टास्क और एक्सपीरियंस से गेन करेगा, अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा, अपना माइंड अप्लाई करेगा, तो उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, फिर वो हायर पोस्ट के लिए आपके बिजनेस में काम करेगा, अच्छी पोस्ट संभालेगा आपकी आगे आने वाली। ये लास्ट स्टेप है, हालांकि इसके बाद आपका और भी आता है, इसी की बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब क्या करना है आपको, अपनी जो उसने काम किया है आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय ने, आप उसको अप्रेज करते हो, ठीक है। क्या करते हो, आप उसका इवेल्यूशन करते हो, रेटिंग करते हो, अच्छा है बुरा है इवेल्यूएट करते हो, कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। उससे का फायदा क्या होता है, यू कैन ट्रांसफर हिम और यू कैन प्रमोट हिम। अगर लगता है कि यही स्किल्स कहीं और रिक्वायर्ड है तो आप उसका ट्रांसफर कर देते हो। आपको लगता है यार इसने अच्छा काम किया है तो हायर लेवल पे जाने के लिए लायक है, ये तो कोई सेकंड क्लास एम्प्लॉय भी कर सकता है तो काम, आप उसको हायर लेवल पे ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कुछ नहीं है, कंट्रोलिंग है आपकी कि यू हैव सेट सम टारगेट्स, है ना, एंड देन यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन यू कंपेयर कि हमने जो इससे उम्मीद की थी, जो टारगेट लगाए थे इसके लिए, वो कितने पूरे किए, उससे कितना कम किया कितना ज़्यादा किया। अगर कम किया तो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर किसी ना किसी इंप्रूवमेंट की, तो आप ट्रेनिंग करेंगे, रीट्रेनिंग करेंगे उसकी, ओरिएंटेशन दोबारा करेंगे उसका, कुछ और उसको एडवाइस देंगे, कोचिंग करेंगे उसकी। अगर ऐसा नहीं होता, लगता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, देन यू कैन इंक्रीज हिज सैलरी, यू कैन इंक्रीज हिज पोस्ट, और यू कैन अप्रेज हिम, यू कैन रिवार्ड हिम, है ना। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल भी एक बहुत अच्छा आपका स्टेप है स्टाफिंग का ही, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको गलत कर दोगे तो एम्प्लॉय कभी भी आपके यहाँ रुकेगा नहीं या सेटिस्फाई नहीं होगा। आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल ईमानदारी से किया है तो एम्प्लॉय आपके यहाँ पर ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। बट आपने जहाँ कर दी पार्शियलिटी, तो उसका वो जाए या ना जाए, पर वो आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी कम कर देगा अपनी, कि या तो बस डांट ही पड़ती है, या तो लोग नेगेटिव ही सोचते हैं मेरे बारे में, मैं क्यों काम करूँ अच्छा, वो कहीं और आपकी जॉब के लिए तलाश करेगा, ठीक है। और भी स्टाफिंग के अंदर आता है वेरिएशन सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की, लोगों को टाइम पर सैलरी मिल जाए, जो जिस सैलरी के लायक है तो वो सैलरी मिले, सैलरी में डिले ना हो, मेडिकल एक्सपेंसिस किसी के आ रहे हैं वो टाइम पर पेमेंट हो जाए उसकी। जैसे इसमें कोरोना चल रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोग घर बैठे हुए हैं, तो जॉब जो नहीं कर रहे हैं घर बैठे हुए हैं, तो उनको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, पेमेंट कैसे करेंगे, चेक से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, है ना, या एक दो महीने सैलरी अगर रुक जाती है तो फिर वो 3 महीने की सैलरी इकट्ठी कहाँ से देंगे। तो ये सारे पार्ट्स भी वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है आपका, इसको कई बार कंपनसेशन भी बोल देते हैं, ये भी स्टाफिंग का एक स्टेप है ना। ये लास्ट में आता है आपका, फिर क्या है आपका वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉइंट नंबर 7, सैलरी एंड विदिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको जो एम्प्लॉय काम करने आ रहा है उसको टाइम पे, भी मेन काम तो क्या है उसका, पैसा कमाने आ रहा है। मैं आपको बताया कंपनसेशन का मीनिंग क्या होता है, यू हैव टू कम्पनसेट फॉर द टाइम ही इज स्पेंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपके यहाँ आपको टाइम दे रहा है आके, आप उसके बदले में उसको जो देंगे वो कहलाएगा कम्पनसेशन। अब वो लोअर लेवल क्लास ऑफ वर्कर है तो उसको बोलेंगे वेजेस, अब वो हाई क्लास ऑफ वर्कर है तो वाइट कलर वर्कर है उसको बोलेंगे सैलरी। तो वो सैलरी और वेजेस उसकी क्वालिफिकेशन उसकी एबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद उसका उसके अंदर कहते हैं पूरी फैमिली का खर्चा चल जाए, उसके बच्चे पढ़ लिख लें, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाए तो उसके लिए आप उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये सारे काम आते हैं वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और आपको याद रहना चाहिए यहाँ पर फेयोल का प्रिंसिपल, इक्विटी पहली बात। तो इक्विटी क्या बोलता है आपका, कि आपकी सैलरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी एक ही जॉब पे काम कर रहा है, 1 पर्सन 1 पोस्ट 1 सैलरी, एक ही जॉब के लिए एक ही जैसे आदमी हो, सैलरी भी एक मिलेगी। अब वो एक्सपीरियंस 5 साल किसी के पास है, किसी पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो डिफरेंस आ सकता है थोड़ा बहुत, पर ये नहीं कि उसकी सैलरी 50,000 हो जाए, एक की सैलरी 10,000 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर था रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब बताया था मैंने आपको कि तो एम्प्लॉई जो काम कर रहा है आपके उसमें, उसको उसको खाने पीने के हिसाब से रोटी कपड़ा और मकान वाली बातें वो कवर हो जानी चाहिए, ताकि उसकी सैलरी इतनी कम भी ना हो कि वो काम में मन ना लगे, और इतनी हाई भी ना हो जाए कि वो काम ही ना करे, ठीक है। तो ये सब था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में,
और वेरीज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।